और सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस वक्त की पांच अहम खबरें कौन कौन सी हैं कमोडिटी मार्केट की। पहली खबर यह है कि सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट बढ़ी है और एमसीएक्स पर सोने का भाव 37,800 रुपये के करीब है, करीब करीब 120 रुपये की नरमी है। चांदी का भाव 43,650 रुपये तक लुढ़की है और रुपये में जो रिकवरी आई है उसका इम्पैक्ट हम बुलियन मार्केट के ऊपर देख पा रहे हैं, कमजोरी है। इसके अलावा दूसरी महत्वपूर्ण खबर गोल्ड को लेकर यह है कि गोल्ड के इम्पोर्ट में बढ़ोतरी हुई है। अप्रैल जुलाई में सोने का इम्पोर्ट 15.5% बढ़ा है और मौजूदा वित्त वर्ष के अप्रैल जुलाई में 92,000 करोड़ का इम्पोर्ट हुआ है। 2018-19 के अप्रैल जुलाई में 80,000 करोड़ का इम्पोर्ट हुआ था। आगे घरेलू मांग बढ़ने की उम्मीद से इम्पोर्ट बढ़ा है। तीसरी खबर कच्चे तेल को लेकर है, क्रूड में तेज़ी के साथ कारोबार हो रहा है। ब्रेंट का भाव $60.5 के करीब है, WTI क्रूड का भाव $56 के करीब है। MCX पर कच्चा तेल 4050 के ऊपर है, करीब करीब 1% की मजबूती इस वक्त कच्चे तेल में दिख पा रही है। मेटल मार्केट को देखें तो मेटल में बाइंग लौटी है और जिंक 185 के करीब है, करीब 0.25% की मजबूती है। एल्युमिनियम में भी करीब करीब 0.5% की तेज़ी इस वक्त दिख रही है। डॉलर 3 हफ्ते के निचले स्तर पर है, ऊपरी स्तर से फिसला है डॉलर, उसका इम्पैक्ट हम मार्केट पर देख रहे हैं। पांचवी खबर चने को लेकर है, चना वायदा आज भी कमज़ोर है और वायदा में इस वक्त चने का भाव 4,230 रुपये के करीब है, करीब करीब 0.5% की नरमी इस वक्त चने में दिख रही है। तो ये पांच अहम खबरें, लेकिन अब बात होगी पांच ट्रेडिंग कॉल्स की और ये बताने के लिए हमारे साथ अनुज गुप्ता हैं एंजल कमोडिटी के। अनुज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत गोल्ड से ही कर लेते हैं, गोल्ड का मार्केट अब आपको कैसा लग रहा है? जो कमज़ोरी हम देख पा रहे हैं गोल्ड में, क्या इसे आप एक बाइंग के मौके के तौर पर देख रहे हैं? मृत्युंजय जी गुड आफ्टरनून। देखिए गोल्ड अगर देखें तो 1495-1490 काफ़ी अच्छा सपोर्ट मेंटेन कर रहा है और MCX में भी हमने देखा है कि लोअर लेवल से एक बाइंग एक्यूमेट होते हुए दिख रही है। हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर करीबन 37,800 के आसपास बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस 37,600 का रहेगा, टारगेट हमें लगता है करीबन 38,050 और 38,100 तक हो सकता है। तो बाय ऑन डिप्स हमें लगता है कि गोल्ड में देखने को मिल सकता है। ओके, बाइंग ऑन डिप्स आप कह रहे हैं कि ये देखने को यहाँ पर मिल सकता है, इस पर आप नज़र रखिए और इस पर आप नज़र बनाकर ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्रूड को लेकर क्या व्यू है आपका, कच्चे तेल में क्या करें? देखिए क्रूड में अगर देखें तो भाव जो है करीबन रेजिस्टेंस जोन के आसपास हैं, तो हमें लगता है कि यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सक्ती है। हालांकि अगर हम चार्ट्स पे देखें तो मार्केट इन लेवल्स पे काफ़ी सस्टेन कर रहा है, तो हमें लगता है कि एक रेजिस्टेंस जोन के आसपास है। तो बिकवाली का यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं इंट्राडे परस्पेक्टिव से। स्टॉप लॉस 4123 का रहेगा, टारगेट नीचे करीबन 3940 तक हो सकता है। ठीक है, निकल को लेकर क्या व्यू होगा आपका, निकल में क्या करें? देखिए निकल में काफ़ी दिनों के कंसोलिडेशन के बाद आज हमने थोड़ा सा एक सेलिंग आते हुए देखा, कल भी हमने एक सेलिंग आते हुए देखा था। हमें लगता है कि निकल के अंदर बिकवाली करके ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस 1155 का रहेगा, टारगेट नीचे करीबन 1100 तक हो सकता है। ठीक है, कॉटन सीड ऑयल केक, यहाँ पर एक ज़ोरदार तेज़ी का माहौल बना पहले और उसके बाद एक करेक्शन आया है, लेकिन अभी भी दाम काफ़ी ऊपरी लेवल पर बने हुए हैं, 3130 के ऊपर है। क्या करना चाहिए कॉटन सीड ऑयल केक में? देखिए हमें लगता है कि कॉटन सीड ऑयल केक में अब भाव ओवरबॉट जोन में है और अगर हम टेक्निकल चार्ट्स पे देखें तो धीरे धीरे जो मोमेंटम है वो नेगेटिव साइड में आता हुआ दिख रहा है। पिछले 3 दिनों में देखें तो मार्केट थोड़ा नेगेटिव की तरफ कन्वर्ट हुआ है। हमें लगता है कि कॉटन सीड ऑयल केक में बिकवाली करके चलना चाहिए। स्टॉप लॉस 3224 का रहेगा, टारगेट नीचे करीबन 2950 तक हो सकता है। एक पोजिशनल तौर पर भी हमें लगता है कि इसमें ट्रेड लिया जा सकता है। कैस्टर में क्या करना चाहिए अभी, कैस्टर सीड में? देखिए कैस्टर में भी हमने थोड़ा सा सेलिंग आते हुए देखा है, हमें लगता है कि कैस्टर में भी यहाँ पर एक सेलिंग का ट्रेड बन सकता है। स्टॉप लॉस 5720 पे लगाएं, हमें लगता है टारगेट नीचे 5550 तक हो सकता है। ठीक है, अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है राहुल का मुजफ्फरनगर से, पूछिए राहुल। सर मेरे गोल्ड माइनस पड़े हैं और क्रूड बाय पड़े हैं, इंट्राडे में क्या स्टॉप लॉस टारगेट लिया जाए? सर गोल्ड माइनस और क्रूड प्लस? जी सर गोल्ड माइनस हुआ है सर 750 रुपए पर। 37,750 पे गोल्ड आपने माइनस किया सर, माइनस किया। क्रूड किस भाव पर प्लस किया है? 4,060 पर करंट रेट पे किया सर। 4,000
साठ परसेंट करंट रेट पर। ठीक है, बताएं अनुज जी क्या करना चाहिए अब इनको। देखिए क्रूड में सॉरी गोल्ड के अंदर अगर बात करें तो हमें लगता है कि गोल्ड में ये करीबन 37,980 का स्टॉपेज अगर होल्ड कर सकते हैं। भाव अगर नीचे आए तो मुझे लगता है कि एक बार निकल जाएं, क्योंकि ट्रेंड गोल्ड का जो है पॉजिटिव है, तो अगर उनको एट कॉस्ट भी मिलता है तो वहाँ पर एग्जिट करके बाइंग की पोजिशन बना सकते हैं। वहीं अगर क्रूड की बात करें तो क्रूड मुझे लगता है कि यहाँ पर एक काफ़ी सस्टेन कर रहा है, तो अगर इनको ऊपर में 4,080-4,090 तक के लेवल्स मिले वहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि 4,100 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जहाँ से अगेन सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला सवाल है रंजन सिंह का बिहार से, पूछिए रंजन सिंह जी। रंजन सिंह 147 पे हम बाय किए हैं नेचुरल गैस। 147 पे जी, 147 पर आपकी बाइंग है, 59 के करीब है भाव, आपको बहुत बहुत बधाई, आपने बहुत सही ट्रेड किया। तो अनुज जी क्या प्रॉफिट बुक कर लें, अभी बने रहे हैं? देखिए मुझे लगता है कि इनको होल्ड करना चाहिए, होल्ड के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा 156 का, उसको लगाकर होल्ड करें। हमें लगता है कि 160 एक रेजिस्टेंस है, अगर वो ब्रेक होता है तो उनको करीबन 165-166 तक का लेवल देखने को मिलेगा। ट्रेंड थोड़ा सा रिकवर है पॉजिटिव साइड में, तो मुझे लगता है कि जो पोजीशन है उस पर होल्ड करना चाहिए। हमें लगता है कि 160 के ऊपर 165 तक का लेवल देखने को मिलेगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 156 का लगा के होल्ड कर सकते हैं। राजेश हैं हमारे साथ जोधपुर से, पूछिए राजेश। राजेश आप सुन पा रहे हैं? नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए सर। सुबह की न्यूज में ग्वार गम और वो सब चना बाइंग की न्यूज दे रहे थे, नीचे चला गया है मेरा 10-10 लॉट बाइंग में पड़ा है। क्या होगा अनुज जी, ग्वार में और चने में मार्केट नीचे आ गया है? देखिए हमें लगता है कि अभी थोड़ा सा मार्केट एक रेंज में रहेगा, थोड़ा सा सेलिंग यहाँ पर हो सकता है, तो मुझे लगता है कि अगर इन्होंने बाइंग किया है या तो एग्जिट कर लें एक बार, क्योंकि हमें लगता है कि चने में एक बार नीचे करीबन 41-70 रुपये तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, और ग्वार सीड और ग्वार गम के अंदर भी थोड़ा सेलिंग रहेगा। ग्वार हमें लगता है कि नीचे करीबन 4,320 तक के लेवल सेप्टेम्बर कॉन्ट्रैक्ट में आ सकते हैं, तो हमें लगता है कि फिलहाल अभी जो ट्रेंड बना है थोड़ा नेगेटिव बना है, तो बिकवाली का ट्रेड ये ले सकते हैं। ठीक है, अशोक हैं हमारे साथ भीलवाड़ा से, पूछिए अशोक। हाँ सर, मैंने 43,600 में सिल्वर मिनी बाई कर रखी है, 2 लॉट। 43,600 पर? हाँ जी। ओके, 43,600 पर आपकी बाइंग है और मार्केट है 43,690 पर, क्या करें अनुज जी, अभी रुके? देखिए मुझे लगता है कि इनको होल्ड करना चाहिए, ऊपर में 43,800-43,900 का लेवल मिले तो वहाँ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ओके, मुकेश हैं हमारे साथ, पूछिए मुकेश। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार, पूछिए। ये मैंने 1325 में 8 लॉट मेंथा की प्लस करी है। 1325 में 8 लॉट मेंथा आपने प्लस किया है? एसएल क्या लगा दूं ऊपर में 1400 का भाव हो जाएगा? 1400 का लेवल क्या लगता है आपको अनुज जी, 1400 का भाव दिखेगा मेंथा में? पहला सवाल तो ये, दूसरा ये कि अगर ये तेजी की उम्मीद में रहें तो स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाएं? देखिए 1400 थोड़ा मुझको लगता है कि टाइम लगेगा लगने में, तो एक बार अगर ये 1340-1350 कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो कल एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है हाईअप से, जो कि आज भी यहाँ पे कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दी, 1340-1350 के आसपास बुक करें। स्टॉप लॉस जो है इनका करीबन 1307 का लगा सकते हैं। ठीक है, अमरोहा से अब हमारे साथ संजय जुड़ रहे हैं, पूछिए संजय। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। मैं पूछना चाहूँ सर, मैंने सीपीओ लिया है 542 में, तो मैं कहाँ पे इसको निकाल सकता हूँ? 542 पे आपने सीपीओ लिया है, अभी मार्केट है 549 के आसपास। क्या क्या ट्रेंड है, क्या फंडामेंटल आप देख रहे हैं? देखिए डिमांड यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, मगर अगर हम लेवल वाइज देखें तो बिल्कुल रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट आ गया है, तो मेरी सलाह है कि इनको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट में देखें तो ऑलमोस्ट 550 और 555 एक रेजिस्टेंस जोन है जहाँ पर भाव में सेलिंग देखने को मिलता है, तो ऑलमोस्ट भाव उसके आसपास ही है, तो मेरी सलाह है कि इनको एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। हमें लगता है कि यहाँ से अगेन एक सेलिंग देखने को मिलेगा, जो कि नीचे करीबन 540 तक दोबारा आ सकती है, तो एक बार मौका इनको मिल रहा है तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ठीक है, आप कह रहे हैं कि एक बार मौका मिले तो प्रॉफिट बुक कर लें। ठीक है, दिलीप है हमारे साथ, पूछिए दिलीप। सर मेरा सवाल ये था सर, 38,250 रुपये में गोल्ड, 5 गोल्ड बाय कर रखे सर। 38,250 पर आपने 5 लॉट गोल्ड बाय किया है, ठीक है, क्या क्या किया जाए अनुज जी?
देखिए हमें लगता है कि ये होल्ड कर सकते हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी गोल्ड का पॉजिटिव है, तो हो सकता है कि इनको थोड़ा होल्ड करना पड़ सकता है लंबे अवधि के लिए, मीन्स एक से डेढ़ महीना इनको शायद होल्ड करना पड़े। मुझे लगता है कि 38,200 तक का लेवल यहाँ देखने को मिलेगा। जो इनकी ओवरऑल पोजीशन है उसमें ये करीबन 37,500 का स्टॉप लॉस लगा के रखें, हमें लगता है कि 38,200 तक का लेवल देखने को मिलेगा, तो बाइंग की पोजीशन ये होल्ड कर सकते हैं। राजकुमार हैं हमारे साथ नीमच से, पूछिए राजकुमार जी। सर नेचुरल गैस का बॉटम आएगा क्या इसके नीचे और अभी कुछ? नेचुरल गैस का बॉटम बनेगा क्या? ये बॉटम अभी तो मार्केट ऊपर जा रहा है, क्या क्या देख रहे हैं आप अनुज जी? देखिए नेचुरल गैस में अगर ये पोजीशन लेना चाहते हैं तो हमारी रिकमेंडेशन है कि आप बाय का पोजीशन ले सकते हैं। बाइंग के लिए स्टॉप लॉस 152 का रहेगा, हमें लगता है कि ऊपर में 165-168 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। जहां तक बॉटम की बात है तो एक बॉटम यहां पर बन चुका है, मुझे लगता है कि एक रैली यहां पर बननी चाहिए जो कि ऊपर करीबन 165 से लेकर 168 तक आ सकती है, तो बाइंग का ट्रेड हमें लगता है कि यहां पर ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और कमोडिटी की बात करते हैं। सोयाबीन का मार्केट अभी आपको अनुजी कैसा लग रहा है? देखिए सोयाबीन के अंदर हमें लगता है कि थोड़ा सेलिंग प्रेशर हो सकता है। अगर हम पिछले 4 या 5 दिन को देखें तो मार्केट कंटिन्यूसली इसी रेंज में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, और आज हमने थोड़ा सा पॉजिटिविटी आते हुए देखी है, बट जो ट्रेंड बना है वो 3700 को काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एज ए फेस कर रहा है। मुझे लगता है कि सोयाबीन में बिकवाली करना चाहिए, नीचे करीबन 3610-3620 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, मीन्स करंट रेट से 40 से 50 रुपये की गिरावट सोयाबीन में देखने को मिल सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और अगला सवाल है भावेश का, पूछिए भावेश। भावेश से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हाँ भावेश जुड़ चुके हैं, पूछिए भावेश। हेलो जी, पूछें। मैंने गोल्ड बाय किया है, किस भाव पर? 3850 ओके, तो होल्ड करें या बेच दो? क्या करें अनुज जी, होल्ड करें? देखिए मुझे लगता है कि होल्ड करना चाहिए, बाइंग साइड में पोजीशन जो है वो रखना चाहिए, हमें लगता है कि ऊपर में 37,950-38,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो वहां पर एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, मगर ट्रेंड पॉजिटिव है तो बाइंग की पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, दिया है वाराणसी से, पूछिए। सर क्या हमें सिल्वर में अभी चांदी पे इस रेट पे क्या करना है, बाई करूं या सेल? चांदी में बिल्कुल ताजा भाव पर 43,700 के आसपास क्या करें? देखिए चांदी में हमें लगता है कि बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं, ऊपर हमें लगता है कि 43,800-43,900 तक के लेवल मिल सकते हैं, स्टॉप लॉस करीबन 43,350 पे लगा सकते हैं और 43,900 तक का टारगेट बना सकते हैं। ओके, ये टारगेट आपको दिया गया है एमसीएक्स पर चांदी में, इस पर आप नजर रखिए, और जो भी आप लेकिन ट्रेड करें जो आपको अनुज अभी बता रहे थे, और बाकी जब भी आप ट्रेड करते हैं तो आपके लिए स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी होता है, ये आपको जोखिम से बचाता है, और जब भी मार्केट में अचानक कोई बड़ी उठापटक आ जाए, कुछ ऐसी खबर आ जाए, तो उस दौरान आप स्टॉप लॉस से बचते हैं बेसिकली। ठीक, अनिल हैं हमारे साथ हरियाणा से, पूछिए अनिल। हेलो जी, पूछें। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, पूछिए। सर मेरा क्रूड ऑयल बाय है 4010 से कल का। क्रूड ऑयल में आपकी बाइंग है 4010 पे, क्या करें अनुज जी? देखिए मुझे लगता है कि इनकी पोजीशन अभी प्रॉफिट में है, तो एक बार यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि 4100 के आसपास मार्केट रेजिस्टेंस फेस करेगा तो वहाँ से सेलिंग आ सकता है, तो अभी फिलहाल प्रॉफिट में है तो एक बार यहाँ प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ओके ठीक है, बीके गुप्ता है हमारे साथ लखनऊ से, पूछिए गुप्ता जी। हाँ नमस्कार सर, क्रूड ऑयल को हम बेचना चाहते हैं तो यहीं पे बेचें या अथवा और ऊपर? क्या क्या जानना चाहते हैं आप क्रूड में? क्रूड ऑयल बेचने का लेवल। अच्छा, क्रूड बेचने का है या लेने का है, क्या है अनुज जी बताएं, खरीदें या बेचें? देखिए हमें लगता है कि क्रूड में बिकवाली कर सकते हैं, स्टॉप लॉस 4123 का लगाएं, टारगेट नीचे करीबन 3940-3950 तक मिल सकता है। ठीक, चलिए बहुत शुक्रिया आप अनुज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में अभी कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।